हेलो फ्रेंड्स, हम आपको आज मिलवाएंगे अपने एक एवियन के पेशेंट से जिनका नाम आकाश है। और आकाश की एज करीब कितनी एज होगी आकाश? 38 38 साल के करीब इनकी एज है। और इनको एवास्कुलर नेक्रोसिस का प्रॉब्लम था, चलने में बहुत डिफिकल्टी थी। इनकी सर्जरी हमने एक साइड की करी थी। ये इनके एक्सरेज हैं, ये आकाश के एक्सरेज हैं। इनको राइट साइड में भी एवियन है, पर इनके लेफ्ट साइड का हिप रिप्लेसमेंट होने के बाद इनका लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। अभी इनसे बात करेंगे। और ये इनके साइड व्यूज़ हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि पूरा स्टेम दिख रहा है, सेंट्रल है, कप बहुत अच्छे से इंटीग्रेटेड है और टांग की लंबाई एकदम बराबर है। आइए मिलते हैं आकाश से। आकाश जी नमस्कार सर। नमस्कार, मुझे बताओ सर्जरी को कितना टाइम हो गया आज? लगभग 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। पहले में और अब में क्या अंतर है आकाश? पहले में अब में, पहले वेट भी ज्यादा था, 100 कदम भी चलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। लेकिन सर्जरी के बाद में जिसका ऑपरेशन हुआ है वो तो नॉर्मल है लगभग, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पेन है। ठीक है। लेकिन जो राइट साइड वाला है जिसमें माइल्ड एवियन है, उसमें दिक्कत चलने में आ रही है थोड़ी सी। जैसे सर्दी ज्यादा बढ़ती है सुबह ही, तो बहुत माइनर सा हल्का सा कुछ चुभन टाइप की, थोड़ा पैर हिलाता हूँ ऊपर नीचे तो ठीक हो जाती है। आगे चल के दिखाओ एक बार। हमारे पास एक वॉक अगर मिली तो हम वो भी दिखाएंगे आपको आकाश की। चलो आकाश चल के जाओ दूर तक, सामने तक। वेरी नाइस, आ जाओ वापस। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आपको एक दो बातें मैं इनके बारे में बता दूं कि आकाश को स्पाइन का भी एक प्रॉब्लम रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनके पैर में कमज़ोरी है। और ये इनकी बेल्ट है जो ये पहनते हैं, और उस कमज़ोरी की वजह से भी थोड़ी इनकी वॉक, थोड़ा सा इनके वॉक में चलने में लचक है हल्की सी, है ना। राइट साइड में कमज़ोरी है ना, और राइट साइड में ही इनको एवियन है जो इनको बॉदर कर रहा है। पास जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें वाइट वाइट चेंजेस हैं अंदर, यहाँ पे ये एवियन के चेंजेस हैं। और ये इनका कप है, बिल्कुल सॉलिड इंटीग्रेट हो गया, आप देख सकते हैं बोन बन गई है पूरी इसके ऊपर। और ऐसे ही स्टेम है, कॉलर्ड है, अच्छे से अपनी जगह पे बैठा है, सेंट्रल है और बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो गया है अपनी पोजीशन में। इट्स लुकिंग सो गुड, आई एम सो हैप्पी फॉर हिम। हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट नीचे लो सिटिंग कर सकते हैं कि नहीं, हमसे अक्सर ही पेशेंट्स पूछते हैं। बैठ के दिखाओ आकाश नीचे, ये लीजिए आराम से बैठ गए, कोई दर्द हुआ नहीं, सीधे खड़े हो जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। आप एक बार जैसे इंडियन टॉयलेट पोजीशन में बैठते हैं ना, जैसे जिसको उकड़ू बैठना बोलते हैं, वो भी नहीं बैठे अभी तक हैं। चलो करो, करके बताओ, हो जाएगा। थोड़ा आगे आ जाओ, नहीं तो पीछे स्टूल है, थोड़ा सपोर्ट ले लेना पेशेंट, बैठो। सही है, खड़े हो जाओ। तो अब देख रहे हैं थोड़ा सा ये घबरा रहे हैं क्योंकि आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हमने इनके दूसरे हिप में एवियन है और उसके अंदर दर्द है, इसके लिए इनको अभी थोड़ा सा हमने ये एक्सट्रीम मूवमेंट्स नहीं दिए थे। बट हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये मूवमेंट्स पॉसिबल हैं अगर आपका हिप रिप्लेसमेंट अच्छी टेक्निक से, अच्छा इम्प्लांट यूज करके हुआ तो। आ जाओ आकाश, खुश हो नीचे बैठ के? चलो बहुत बढ़िया।